कहा जाता है कि हम इंसान आज के नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व कायम कर चुके हैं। हम इंसानों के कई पूर्वज इस धरती पर अस्तित्व में रहे, जो कि समय के साथ साथ यहाँ से अनेक परिस्थितियों के कारण हमेशा के लिए खत्म हो गए। यानी कहा जाए तो मनुष्य नरवानर प्राइमेट वर्ग से संबंध रखते हैं। नरवानर स्तनधारी जीवों के उन वर्गों से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्यों के साथ साथ आधुनिक बंदर तथा चिंपैंजी आदि इस वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर घने बाल होते थे, उनके दांत आधुनिक इंसानों से भिन्न कई प्रकार के होते हैं। उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती थी। 28 से 30 लाख वर्ष पहले इन नर बानरों में एक और समूह उत्पन्न हुआ, जिसको मनुष्य परिवार के सर्वप्रथम महामानव यानी होमिनिड कहा जाता है। इनमें वर मानुष भी सम्मिलित थे। मनुष्य तथा नर बानरों में आधुनिक समानताएं पाई जाती थी। आरंभिक मनुष्य का सर बहुत छोटा तथा पीछे की ओर झुका हुआ होता था। उनके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे। वह बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वह भ्रमणकारी होते थे तथा भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। आरंभ में पशुओं की भांति चार टांगों पर चलना उनका स्वभाव था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग करने लगे थे। मानव की वह पहली प्रजाति जिसमें मुख्यतः होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल और होमो सेपियंस हैं, जो पुरातन मनुष्य के एक समूह के सदस्य थे, जो कम से कम 2 लाख साल पहले प्लाइस्टोसीन युग यानी कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले के दौरान उभरे थे, और उन्हें प्रारंभिक आदि पूर्वज की संज्ञा दी गई। मानव आबादी में 35,000 साल से लेकर 24,000 साल के बीच काफी परिवर्तन देखा गया। होमो नियंडरथेलेंसिस यूरोप के अटलांटिक क्षेत्रों से लेकर पूर्वी मध्य एशिया में रहते थे और यहाँ पर अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ यह सब विलुप्त हो गए और नए मानव प्रजाति यानी कि आधुनिक होमो सेपियंस सेपियंस का उदय हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।